हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं कि कल था मेरा बायोप्सी का वर्कशॉप, जो था डे वन, और ये है कल का वीडियो। और आज है हमारा सेकंड डे, जिसमें मुझे ओरल बायोप्सी का मतलब सर्जिकल डेमो देना है मेरे फेलो कलीग्स को या मेरे फेलो जो भी डेंटिस्ट हैं उनको। तो ये जो प्रोसीजर होने वाली थी ये हमारे हॉस्पिटल में होने वाली थी, जिसमें मुझे ओरल बायोप्सी का एक छोटा सा चंक निकाल के सबको दिखाना था और उसे जांच के लिए भेजना था। तो सर्जिकल प्रोसीजर भी काफ़ी सक्सेसफुल रही, हमारा वर्कशॉप भी काफ़ी अच्छा रहा। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था टाटा कैंसर हॉस्पिटल ने, तो उनके एक फेलो जो थे वो भी इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए मेरे साथ आए थे, और इसलिए प्रोग्राम में हमें बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। गाइज, आज मेरा वर्कशॉप था, सेकंड डे था, वर्कशॉप हुआ पूरा, घर आया, खुशहाली और ग्रेसी तैयार थे, और उनका कहना था कि आज उन्हें जाना है श्रीराम भगवान जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कल हम जा नहीं पाए थे, इसलिए आज हम आए हैं हमारे शहर के सबसे पुराने और सबसे सुंदर मंदिर में, जहाँ पे श्रीराम भगवान, लक्ष्मण जी, सीता माता का मंदिर है, हनुमान जी का भी है। तो वहाँ पे जाएंगे, कैमरा अलाउड होगा तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो हम तो दर्शन करने जा रहे हैं, आपको बाहर से दर्शन कराता हूँ लेकिन, है ना। तो चलते हैं, ये लोग बिना चप्पल के चले गए, मैं भी निकलता हूँ। गाड़ी अंदर आ रही है, मस्त डेकोरेशन करके रखा है इन्होंने, और वो रहा मंदिर, आप देख सकते हैं सामने। देखिए सामने से, ये एक्चुअली मेन रोड है हमारा, मेन रोड से जब भी जाते हैं तभी दर्शन हो जाता है सीधा मूर्तियों का। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी भी तरह का दबाव या ऐसा कुछ छुपा के नहीं रखते, यहीं से सीधा दर्शन हो जाता है। तो अभी यहाँ से भी थोड़ा दर्शन कराते हैं, अंदर से परमिशन रही तो करूँगा। ग्रेसी और खुशहाली आगे जा चुके हैं। यहाँ पे मंदिर के सामने बहुत अच्छी और सुंदर मूर्ति बनी है, लिखा है राम आए हैं, गरज उठे समुंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहां जग सारा जब गूंजे जय श्री राम का नारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हमारे बजरंग बली जी का है, मैंने वैसे उनसे प्रॉपर परमिशन ली है कि मुझे रिकॉर्ड करना है, तो पंडित जी ने परमिशन दे दी है, और इसलिए परमिशन मिलने के कारण ही अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं। कौन कौन, वो तो ठीक बात है। ये हमारे ग्रेसी जी है, झांसी की रानी बनी हुई है, क्योंकि हमारे कॉलोनी में आए हैं बंदर, और पहले हमारे घर के आसपास थे, लेकिन अभी वो बंदे, ये हमारे जो स्ट्रीट डॉग है, उन्होंने भगा दिए हैं और बंदर जाके बैठे हैं ऊपर कहीं और, और ग्रेसी निकली है बाहर। क्या बोल रही है ग्रेसी, मारना है उनको? हाँ। मारो मारो कर रही है। कहाँ पे? नहीं है ना, गेले आता थे, गेले गेले आता थे, गेले वहाँ पे उस पेड़ पे शायद है, तो वहाँ पे सब वो कुत्ते खड़े हुए।
और हमारी ग्रेसी बोल रही है गोटा मारो गोटा मारो गोटा मारो। त्या गाड़ी वर आहे तिथे ते अंकल ची गाड़ी है ना चिंतूच्या पप्पाची, चिंतूच्या पप्पाच्या गाड़ी वर बसला है। हाँ दिसला तुला, ये गेला आता तो, वो उसकी पूछ दिखाई दे रही है। क्यों जाना है? अरे वो तेरे को डंडा मारेगा तो, वो मारेगा डंडा तेरे को। आई बड़ी पावर वाली, कैसे पावर, कैसे पावर मतलब दाखो उबीरा दीदेस तिथे उबीरा माला पाओ दे कैसी पावर है। अच्छा भैया रहन दे, तू उसको पत्थर मारेगी वो तेरे को पत्थर मारेगा। आवाज तो आई किसी माला, आवाज तो आई माला। वो हमारे वहाँ का जो कॉर्नर का स्कूल है वहाँ पे फिलहाल लंच टाइम हुआ है और बंदर भी अपना लंच टाइम कर रहे हैं और कुत्ते अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। अरे इसने क्या कर दिया, मुझे डराया। वो तुझे डराया उसने? ओके कर दे एक बार और। हाँ ओके स्वतःला नको मारून घेऊ, नहीं तो आला दूसरा स्वतः मारून घेसीन। वो गाड़ी आली, क्या बोली? अच्छा कल की तैयारी आ जी, झंडा ऊंचा रहे हमारा, बढ़िया है। कहाँ से मिला झंडा, कहाँ से लाया झंडा? हाँ ओहो, कल प्रोग्राम है सुबह 7 बजे हमारे हॉस्पिटल में, कहाँ चलेंगे, पहले पहले सुबह उठना पड़ेगा, उसके लिए सुबह उठ के जाना पड़ेगा। 7 बजे है, 7 बजे ठीक है, कल की प्लानिंग है आज। ठीक है कल सुबह उठ के देखेंगे, ठंडी बहुत ज्यादा है, देखते हैं उठते हैं क्या नहीं। मैं फोन करता हूँ पता करता हूँ कल का टाइमिंग क्या है ना मैडम। पता करता हूँ। आप क्या कर रहे हो? झंडा ऊंचा रहे हमारा, बाबा ने आणला है, तू गेली होती सोबत दुकानामध्ये गेली होती का? तोनाचा काय मला काय माहिती, तू गेली होती ना ना मग निकल गया, लगा देते। मुझे पता लगा है कि कल झंडा वंदन तो है, लेकिन मतलब वो तो ऑब्वियसली है, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने बताया 7 बजे है और एक फ्रेंड ने बताया कि 7:15 बजे है और एक ने बताया कि 7:20 को है और मुझे लगता है कि 7:30 को है, तो अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं है। और जैसे कि हम लोग स्टैंडर्ड टाइम से चलते हैं, जैसे आधा घंटा लेट चलते हैं, तो हमको 7 बजे जाने के लिए क्यों खांसी करते तू? तो हम लोग को अगर 7 बजे पहुंचना है तो हम लोग को 6:30 बजे निकलना पड़ेगा। चैनल भी बदल रही है। हेलो गाइस कैसे खेलते हैं? हेलो नहीं करते, कैमरा शुरू हुआ कि बिगड़ जाता है काम, बिना कैमरे के सब करती है, कैमरा दिखा के बंद कर देती है। तो कल सुबह अगर 7 बजे पहुंचना है तो हमको निकलना पड़ेगा 6:30 बजे, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हमको एग्जैक्ट टाइम पता चले। आज घर पे कोई है नहीं, सब लोग बाहर गए हैं, घर पे है सिर्फ मैं खुशहाली और नंदाताई और हमारी ग्रेसी। तो कल सुबह उठना है सुबह और देखना है कि हम लोग पहली चीज़ तो उठ पाते हैं क्या और दूसरी चीज़ पहुँच पाते हैं क्या। तो ये सब मिलेगा आपको देखने अगले ब्लॉग में। ये ब्लॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।